एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हमारे दादा मियाँ का कुल हो चुका है, तो बने रहिएगा मेरे आज के इस मिनी व्लॉग में। और मैं आपको आज जाज महू की ज्यारत कराने वाली हूँ, तो मिलती हूँ आगे। तो हम लोग यहाँ नई चुंगी पहुँच चुके हैं, जो जाज महू के लिए रास्ता जाता है। तो ये अब हम लोग चल रहे हैं जाज महू के लिए, जहाँ पर आप भीड़ देख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये यहाँ हम लोगों ने कुछ शिरनी ली न्याज के लिए, क्योंकि अभी 11 बजने वाला है, 11 बजे उर्स शरीफ स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने लिया और आगे बढ़े हम। तो यहाँ भीड़ आप देख रहे होंगे, ये है दादा मियाँ की दरगाह, जहाँ भी अभी बहुत भीड़ है। कल यहाँ उर्स हो चुका है। तो आज का जो उर्स है मुकदुम शाह आला का है, जो कि 866वां उर्स है। और ये देखिए हम लोग यहाँ आगे आगे बढ़े, इतनी भीड़ है फ्रेंड्स कि निकलना बहुत मुश्किल है। अंदर पहुँच चुके हैं हम लोग और यहीं पर उर्स पढ़ा जा रहा है। आप कहीं भी खड़े हों, किसी भी जगह पर हों, उर्स के वक्त आपकी नियाज, आपकी दुआएं कबूल फरमाई जाती हैं। दोस्तों ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ हिंदुस्तान के कोने कोनों से लाखों करोड़ों की तादाद में आने वाले जियारीन हैं, जो यहाँ आते उर्स में शामिल होते हैं। तो कल दादा मियाँ का कुल था और आज मखदूम शाला का। यहाँ हम मखदूम शाला के दर पर आ पाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ थी, इसीलिए हम लोग रोज़े तक नहीं जा पाए। तो हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों दादा मियाँ मखदूम शाला के वालिद हैं, जिनका कल कुल था और आज मखदूम शाला का उरस है। तो ये पानी का भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम यहाँ किया गया था, हर कोने कोने पर आपको पानी मिल जाएगा। और यहाँ खाने पीने का भी अच्छा खासा इंतज़ाम। यहाँ पर आगे मखदूम शाला की दरगाह से ही रास्ता लगा हुआ है, जो कि जिन्नातों की मस्जिद का बहुत बड़ी और बहुत फेमस है, जिन्नातों की मस्जिद है। और ये फिर हम लोग वापस आ गए बाहर, जहाँ पर आप खाने पीने का सामान देख रहे होंगे। और ये क्या चीज़ है इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए, ये मेरी फेवरेट है। और खाने के लिए भी काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए गए थे। तो मिलती हूँ फिर आगे कोई अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में।